नमस्कार बच्चों, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ दो हिंदी की वर्णमाला पाठ चल रहा है, जिसमें मैंने आपको कल पेज नंबर 8 कंप्लीट ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाया था। आपने मेरे साथ अपनी बुक ओपन करके उसको बहुत अच्छे से समझा था। कल के पेज नंबर 8 में हमने हिंदी भाषा में कुल 52 ध्वनियां होती हैं। भाषा बोलते समय इन ध्वनियों का प्रयोग होता है। इन 52 ध्वनियों के ध्वनि चिन्ह निश्चित है। बोलने वाले ध्वनि चिन्ह जो है वो निश्चित है कि इनको किस प्रकार बोलना है। उर्दू भाषा की दो आगत ध्वनियां भी हिंदी में ले ली गई है, ज और फ, जो नीचे बिंदी करती है। प्रत्येक ध्वनि चिन्ह को वर्ण या अक्षर कहा जाता है, क्योंकि देखो सब वाक्य होता है, भाषा भाषा से छोटे वाक्य। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एक वाक्य बोल रही हूँ, वाक्य में क्या है, शब्द। शब्द किससे बने हैं, वर्ण, ठीक है। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। मैंने कल स्वर के बारे में आपको समझाया था, अ से अ तक के स्वर होते हैं और अंक और अह अनुस्वार और विसर्ग, और इसमें एक अनुनासिक होता है चंद्रबिंदु वाला, जिनको स्वरों में नहीं लिखा जाता, अलग से लिखा जाता है, इनको अयोग बहा कहा जाता है। मैंने आपको अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में कुछ शब्द भी उदाहरण में बताए थे। और आज हमारा पेज नंबर 9 और 10 चलेगा, तो मेरे साथ आप अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए। मैं आपको पूरा पाठ आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, समझा रही हूं तो अच्छे से समझेंगे। आगत ध्वनियां, कौन सी ध्वनियां, आगत ध्वनियां। उर्दू और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव होने के कारण हिंदी भाषा में कुछ ध्वनि को आगत ध्वनि के रूप में ले लिया गया है। हिंदी भाषा के अंदर उर्दू भाषा का भी प्रभाव है, अंग्रेजी भाषा का भी प्रभाव है, तो उसमें कुछ ध्वनियों को आगत ध्वनियों के रूप में ले लिया गया है। जैसे नंबर 1, उर्दू की ध्वनियां ज और फ, जैसे जिद, फिल्म आदि, नीचे बिंदी लगी होती है जो, जिसको हम नुक्ता कहते हैं। अंग्रेजी की ध्वनि अ, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, अ आ रहा ना, डॉग, डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, तो अ वाली ध्वनि, ये कौन सी ध्वनि है, ये अंग्रेजी की ध्वनि है जिसको हिंदी में भी बोला जाता है, हिंदी में ले लिया गया है। अब है बच्चों व्यंजन। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 35 व्यंजन होते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों स्वर कितने लिखे जाते हैं, 11, जिसमें अंक और अह को नहीं रखा जाता, ठीक है। उसके बाद व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 35, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन में आते हैं, श, त्र, ज्ञ और श। ये 4 किसमें आते हैं बच्चों, ये आते हैं अपने संयुक्त व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो 11, 12, 13, ठीक है, 13 तो ये हो गए, जिसमें 4 हो गए, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 17 ये हो गए पूरे, और अपने पास 35, तो ये कितने हो गए, ये 52 क्या हो गए, अपनी पूरी वर्णमाला हो गई। हिंदी की वर्णमाला में 52 होते हैं, जिसमें स्वर पूछे तो आपको आप बताएंगे 11, व्यंजन पूछे तो आप बताओगे 35, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 35 व्यंजन होते हैं, इनके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं जो 2 वर्णों के योग से बनते हैं। ये रहे आपके 4 संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ और श। ये 2 वर्णों के शब्द से बनते हैं, इनको 2 वर्ण मिलाए जाते हैं जब ये शब्द बनता है, तो इसके बारे में भी अभी हम बताएंगे। अब पूरे व्यंजनों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो व्यंजन में का वर्ग है का खा गा गा अड़े, चा वर्ग है चा छा जा जा अड़े, टा वर्ग है टाटा डाटा अड़े,
व्यंजन ऊष्म व्यंजन बोलते हैं श स श ह को, और अंत्यस्त व्यंजन बोलते हैं यारा लबा को। ठीक है, यारा लबा है वो क्या है, अंत्यस्त व्यंजन आपकी बुक में है, ध्यान से पढ़ोगे। मैं आपको एग्जाम में पूछ लेती हूँ, निम्न में से अंत्यस्त व्यंजन का वर्ण कौन सा है, और मैं इनमें से या लिख दूं और बाकी अलग लिख दूं तो आप क्या उत्तर लिखोगे, या। मैं दे दूं निम्न वर्णों में से ऊष्म व्यंजन वाला वर्ण है तो मैं हा दे दूं तो आप लिखोगे हा। निम्न में से संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण है श प्र ज्ञ, श्रय में से मैं कोई भी वर्ण दे दूं तो आप उसी पे टिक कर दोगे। इस प्रकार का वर्ग में कौन सा वर्ण आता है, मैं पांच में से कोई वर्ण लिख दूं और एक लिख दूं और चार अलग लिख दूं तो आपको जो आता है उस पे टिक कर। इस प्रकार आपके प्रश्न बन के आएंगे, इसलिए ध्यान से अपना पाठ पढ़ना है, लापरवाही नहीं करनी है कि हाँ पढ़ लेंगे, नहीं, पाठ बहुत गहराई से समझ कर पढ़ना है। ठीक है, तो ये क च ट प त प वर्ग है, अंत्यस्त व्यंजन ऊष्म व्यंजन संयुक्त व्यंजन, इन सबको और 11 स्वर और 2 अयोगवाह अंक और अह को मिलाकर 52 वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। तो ये है बच्चों, अब इसके बाद है देखो, जो मैंने श त्र ग्र ज्ञ श्रय दो वर्णों के व्यंजन संयुक्त व्यंजन, ये कौन है, दो वर्णों ये संयुक्त व्यंजन है चारों, ये चारों क्या है बच्चों, ये चारों है संयुक्त व्यंजन और दो वर्णों के मेल से बने हैं। देखो अदकार श से छ बना, त र से त्र बना, अद ज रणे से ज्ञ बना, अद श्र श र से श्र बना, छ से क्षमा कक्षा, त्र से त्रिकोण पत्र, जैसे ज्ञान ज्ञात, श्रेय से श्रम श्रेष्ठ, इनसे बनाए हुए दो दो शब्द भी आपको बताए गए हैं। तो ये है पाठ अपना दो हिंदी की वर्णमाला, जिसको कल मैंने स्वर के बारे में कल पढ़ा दिया था, अयोगवाह अंक और आह के बारे में पढ़ा दिया था, आज हमने आकर दो दिया और अपने व्यंजन के बारे में हमने और संयुक्त व्यंजनों के बारे में हमने इस पे पढ़ा है। इसको रीड करोगे, समझोगे और इसमें से बीच में से कई प्रश्न बनकर आएंगे। अगर आपको पाठ आपका अच्छे से याद है, पाठ आपने अच्छे से समझ कर पढ़ा है, तो आप कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये चीज आपको याद करनी है बच्चों, ठीक है, ये क्या करना है आपको, अपना पाठ अच्छे से समझ के याद करना है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे समझोगे और इसके बाद जो इसमें रचनात्मक अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं मैं उनको आपको करने को दूंगी। तो जो बुक में करने हैं किताब में वो किताब में करोगे और कॉपी में करने वाले कॉपी में करोगे। तो अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए